हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए लेकर आया हूं और ही इंटरेस्टिंग ट्रांसलेशन जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। गली गली गंदा है, एक एक बूंद खून अमर है। तो इस तरह के ट्रांसलेशन हम बोलते हैं, बनाना चाहते हैं, पर हमें पता नहीं होता है। तो मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में और बहुत ही इजी तरीके से बताऊंगा कि इसको आप कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपका 2 से 3 मिनट लूंगा और इसमें मैं आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से स्ट्रक्चर बताऊंगा और आपको ट्रांसलेशन बनाना सिखा कर जाऊंगा। और 2 ट्रांसलेशन मैं दूंगा, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है उस ट्रांसलेशन को बना करके। तो स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि गली गली गंदा है, तो हमें यूज करना है, तो हमारा स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए? स्ट्रक्चर होगा इच, इच एंड एवरी, उसके बाद नाउन, उसके बाद वर्ब, उसके बाद अदर वर्ड्स, राइट? तो दिस इज आवर स्ट्रक्चर। तो अब बनाएंगे कैसे कि गली गली गंदा है, तो फॉलो करेंगे स्ट्रक्चर को बहुत ही आराम से, प्यार से। इच एंड एवरी लेन, गली का क्या होता है? लेन। अब इज वर्ब हो गया और क्या है? गंदा है, तो डॉल्टी। मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको कोई प्रॉब्लम होगा। सेकंड सेंटेंस देखते हैं कि एक एक बूंद खून अमर है, है ना? तो फिर वहीं से फॉलो करेंगे कि इच, इच एंड एवरी, या तो आप ब्लड डायरेक्टली लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं कि ड्रॉप ऑफ ब्लड, ठीक है? इच एंड एवरी का मतलब ये होता है कि खून का, ब्लड का मतलब कतरा कतरा, है ना? जैसे कहना कतरा कतरा, खून का कतरा कतरा। अब कतरा कतरा है कहां से लाएंगे यार? इच एंड एवरी लगाएंगे, काम चलाएंगे। तो क्या लिखेंगे? ड्रॉप ऑफ ब्लड, ठीक है? अब फिर क्या है कि अमर है, तो इज इमोर्टल। इसमें आपको कोई दिक्कत है? आप नहीं। अब आपके सामने दूसरा सेंटेंस है जो आपको ट्रांसलेट करने हैं। दिस इज योर ट्रांसलेशन एंड आपको ये ट्रांसलेट करना है। मुझे नहीं लगता है कि इसमें आपको कोई दिक्कत होगा, है ना? आपको जो भी दिक्कत हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बता सकते हैं और इनको भी कमेंट बॉक्स में ट्रांसलेट करके कमेंट कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।